तो नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत। तो दोस्तों एक नए नॉलेज फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज मेरे पास जो है ये एक ब्लूटूथ ईयरफोन है दोस्तों, जो कि आपको दिख ही रहा है। और इसमें जो है दोस्तों प्रॉब्लम है, तो आज ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कहाँ से प्रॉब्लम आता है और इसको कैसे ठीक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अच्छा से स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आप खुद से भी, आप एक के मतलब मिस्त्री नहीं भी हो तो मेरे ख्याल से आप खुद भी ठीक कर सकते हो। बट आपको जो है दोस्तों एक छोटा सा ये लेना होगा, ऐसे नहीं भी रहेगा तो आप कर सकते हो, मगर ये रहेगा तो दोस्तों ये एग्जेक्ट रहेगा। दोस्तों ये एक मशीन ही है, आप लाइट टेस्टर है दोस्तों, जो कि आपको मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों और आसानी से मिल जाएगा सभी शॉप में, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में जो है मिल जाएगा, तो आप ये ले सकते हो। तो दोस्तों आप क्या है दोस्तों, इसका बीमारी तो सुन लो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये कभी कभी बसता है और कभी कभी नहीं बसता है। कस्टमर का कहना है कि कभी कभी बसता है कभी कभी नहीं बसता है, तो कभी कभी नहीं बसता है तो रीजन तो है दोस्तों, कभी कभी हिलता उलता है तो बच जाता है। तो आखिर प्रॉब्लम है तो कहाँ से प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो ये भी जानकारी लेना जरूरी है दोस्तों। तो दोनों यही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो अब मैंने खोल दिया दोस्तों और हमें पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, हम भी ब्लैंक इसके बारे में। तो इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले दोस्तों ये लाइट टेस्टर तो आपको रहना जरूरी है दोस्तों, तो ही आप मतलब सटीक आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आवाज़ जो दोस्तों आखिर यहाँ आवाज़ स्पीकर छोड़ता पकड़ता है, तो मेरे ख्याल से तो दोस्तों मैंने स्टिकर को हटा दिया दोस्तों, ये दो का स्टिकर था दोस्तों ये रिमूव कर दिया दोस्तों। अब क्या करना दोस्तों, अब चेक करना है। देखो दोस्तों, आपका स्पीकर खराब होने का तार खराब हो गया इस कंडीशन में, और अधिकतर नहीं 99% मैंने आज तक जो भी ब्लूटूथ रिपेयर किया दोस्तों, मतलब काफ़ी रिपेयर किया दोस्तों, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जो भी देखे दोस्तों, तो आपका तार में ही लगभग तार में इशू होता है, मगर चेक कर लेते दोस्तों तार में इशू है या स्पीकर में इशू है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी चेंज बता रहा है कि नहीं। ये दोस्तों ये इसका कंटिन्यूटी बता रहा है दोस्तों, और इसका देखते हैं। इसमें बता रहा है, मगर देखो देखो दोस्तों ये हल्का कम बता रहा है, मगर इस तार को दोस्तों खोल लीजिएगा तो एग्जैक्ट बताएगा सही। और इसका भी तार लोग दोस्तों खोल देते हैं, फिर चेक करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और दोस्तों कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि आप नहीं समझ रहे हो तो हमें कमेंट करें, जरूर मैं उसका आंसर दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये नहीं बता रहा है। देखिए दोस्तों ये सटा रहे तो बताएगा, ये नहीं बता रहा है, तो जाहिर सी बात ये तो इसका मेरे ख्याल तारें खराब हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ज्वाइंट होता है दोस्तों, हिलते हिलते यहाँ से छोड़ने पकड़ने लगता है, कट जाता है अंदर से तार। देखो दोस्तों तो इसमें भी यही कंडीशन दोस्तों चेक करना है, ये बता रहा है। देखिए दोस्तों हिलाते उलाते हैं थोड़ा सा जो है पिघला देते हैं दोस्तों, मतलब माचिस से जो दोस्तों हल्का जलाते हैं, उसके बाद सोल्डिंग कर देंगे तो ये अच्छा से आ जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरह का जो है, आप इससे क्या होगा दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, अब जो है यहाँ सोल्डिंग जो है सोल्डिंग आयरन से जो है इसमें सटा कर रखेंगे कुछ देर, कुछ मिनट तो खुद दोस्तों इसका जो भी रेपर है हट जाएगा। देखिए दोस्तों ये हो गया, अब क्या करना है दोस्तों, इसको चेक कर लेना है। तो ये जो है इसको हिला डुला के देख लेते हैं। देखो दोस्तों ये भी छोड़ पकड़ रहा है, हिलाते हैं तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। देखिए दोस्तों है ना, तो दोस्तों आखिर छोड़ता पकड़ता तो कस्टमर का भी कहना था दोस्तों, तो इसको क्या करना है, यहाँ से काटेंगे दोस्तों,
यहाँ खोलना नहीं पहले दोस्तों, यहाँ से काटना है और सब चेक करना है कि कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इसमें भी यही है दोस्तों, तो इसको काटते हैं फिर देखते हैं। मैंने काट दिया दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने काटा दोस्तों, तो देखिए एक में तो है दोस्तों ये वायर, एक में है ही नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से प्रॉब्लम रहता है सबका, तो समझ में आ गया है। और इसको भी थोड़ा काटते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से कट गया था, आपको समझ में आ गया होगा देखिए, है ना। और इसमें भी वही करते हैं दोस्तों, ये तो छिला गया। अब इसको जो ज्वाइंट कर देते हैं, मतलब इसका जो है इसको बांध दिया देते हैं ताकि जो है तार निकलेगा नहीं, ऐसे नहीं बनेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है छोटा पड़ जाएगा काफी ना, इसमें गोंद डाल देंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा क्या दोस्तों, फेवी क्विक डाल देंगे हल्का सा तो ये ठीक ही रहेगा। तो दोस्तों अब इसको जो दोस्तों अब इसका सोल्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, तो फिर से माचिस से करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जरूर लाइक करें दोस्तों, और इस तरह का वीडियो आपको इंटरेस्ट है इसमें तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों अब जो इसको सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों, दोस्तों मैंने जोड़ दिया दोस्तों, और ये जरूर देखिए दोस्तों कि एक दूसरे में टच तो नहीं है दोस्तों, वायर को जब भी जोड़े दोस्तों वायर को पूरा लपेट दे दोस्तों ताकि एक दूसरे में टच ना हो। तो ये देख लिया मैंने, टच तो नहीं हो रहा दोस्तों, अब इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। अच्छा खाली एडजस्ट कर दीजिए आप जैसे था, तो मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सेट कर दिया दोस्तों, अब इसको जो है ऑन करके देखते हैं होता है क्या नहीं, और स्पीकर बजता है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया दोस्तों, और इसमें कनेक्ट किए हुए थे दोस्तों, ये कनेक्ट भी हो गया है देखिए, और जो है इसका जो है बजाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों तो ये बज रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।